फिर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी में जबरदस्त उत्साह है। कांग्रेस इस यात्रा को गेम चेंजर बता रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों से राहुल गांधी मिल रहे हैं। इसी तर्ज पर झारखंड में भी अब भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश स्तर पर निकाली जाएगी। कांग्रेस की 3500 किलोमीटर की पद यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसमें राहुल गांधी के साथ 118 भारत यात्री पद यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस को अब तक मिले रिस्पॉन्स से पार्टी गदगद है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस यात्रा को देश की जरूरत बताया है। साथ ही इसी तर्ज पर झारखंड में भी दुर्गा पूजा के बाद पद यात्रा की बात कही है। 10 तारीख से हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे, तब तक ये सारी चीजें तैयार हो रही है और आप देखेंगे तो लगातार अभी भी आपको किसी न किसी जिले से भारत जोड़ो यात्रा की झलक दिखाई देती है। तो सभी तरह से लगे हुए, लेकिन एक बड़ा प्रोग्राम है कि हर जिले का दौरा, कम से कम हम और भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी और जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उसमें से भी एक एक लोग सभी जिलों का दौरा करें। झारखंड कांग्रेस का इस यात्रा पर कहना है कि जो नफरत का देश में माहौल बना हुआ है उसको दूर करने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा का कहना है कि 2024 में इस यात्रा का असर नजर आएगा, जिसको देखते हुए झारखंड में भी ये यात्रा पांचों प्रमंडल में होगी। नवरात्र खत्म होने के बाद लगभग 10 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ इस राज्य में हो जाएगा। पहला यात्रा भगवान बिरसा की जन्मस्थली से उनके समाधि स्थल तक आना है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 5 महीने तक चलेगी। शुरुआती दौर में इस यात्रा ने सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब झारखंड में भी बड़े पैमाने पे ये यात्रा होगी, जिससे ये चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस ने एक मजबूत दाव 2024 से पहले खेला है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन दीपक के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।